हम जा रहे हैं गाइस लद्दाख। गाइस ये देखो गाइस, इंडिया में जुगाड़ की कमी नहीं है। इंडिया प्राउडली कितने की दे रहे हो? 1,50,00,000। तो भाई 1,50,00,000 के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह उठ के ये देखो क्या खाया जा रहा है, फल फ्रूट्स। मतलब दोपहर में सुबह सुबह उठ के चीनू स्कूल से आ गई है और मैं अभी सो के उठाऊं और अभी खाए जा रहे फ्रूट्स ये वाले हैं। और इसके अलावा और बताता हूँ क्या है। ये भाई अनार भी छील के दिए गए मुझे। ओ शिट, अनार गिर गए ये दो कटोरे में। अनार गिर गए ये कटोरा रखते टाइम। तो अभी ये फल फ्रूट खा के नहा के खराब हो गए, धो के यूज हो जाएंगे। तो अनार इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, खून बढ़ेगा भाई, अनार खाओ मस्त। तो गाइज अभी मम्मी और चीनू सारा सामान पैक कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं। अभी बताएंगे हम कहाँ निकल रहे हैं, सरप्राइज है गाइज आपके लिए। इतना सामान लेके तो रोड ट्रिप पे जाएंगे। वो दो बैग भी है, वो दो बैग हैं। चीनू के पास बैग है, मैंने भी बैग टांग लिया। मम्मी ने देखो भाई लस्सी वस्सी भर ली, पानी की बोतल ले ली। तो गाइज अभी हम बताएंगे आपको हम कहाँ निकल रहे हैं, ये आपके लिए एक सरप्राइज होगा गाइज। एंड लेट्स सी हमारा चौतरा, आई मीन हमारा स्लैब पूरा सूख गया, नहीं सूख गया, पूरा ही सूख गया ना। चलो तो गाइज हम एक्सयूवी लेके जाएंगे, सारा सामान एक्सयूवी में रख लेते हैं। चीनू खोल डिग्गी। ना ना सामान रख लेंगे ना, कोई नहीं, पहले खोल सीट गिरा दे। ये देखो गाइज कितना स्पेस हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे सामान कितना ही रखो। तो गाइज अभी मैं मम्मी और चीनू सारा सामान वगैरह पैक करके डिग्गी में लगेज भर के हम लोग निकल गए हैं ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं पता आपको? कन्याकुमारी नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं गाइस लद्दाख। हाँ पर मैंने तो ठंडे के कपड़े ही नहीं लिए। तो ठंडे के कपड़े वहाँ मिल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से क्यों वजन उठाना। और यहाँ से अपना हल्की हल्की टी शर्ट लेके चलेंगे और वहाँ जाके हम लद्दाख में मस्त कपड़े खरीद लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिप होगी गाइस लद्दाख की, और लद्दाख में हमें खूब मजे आने वाले हैं। लेकिन हमारा लद्दाख पता है कहाँ है, पता है तेरे को कहाँ हमारा लद्दाख? अभी नहीं बता रहे, चलो पहुंच के बताएंगे गाइस लद्दाख में। और हमने कोई प्लानिंग नहीं करी, हमने जस्ट ऐसे ही सामान उठाया। दीदी मैं तेरे को बहुत मिस करूंगी, सो सॉरी, हम अकेले जा रहे हैं। तो भाई ये स्वाति के लिए एक मैसेज था कि स्वाति अपने आराम से, तू यहीं पड़ी रह दिल्ली में, हम लद्दाख घूम के आ रहे हैं। गाइज हमने कोई प्लानिंग नहीं करी लद्दाख जाने की, हमने जस्ट ऐसे ही, हम उठे चीनू स्कूल से आई, इसने बोला भैया घूम के आने का मन है और बोली कि सामान पैक करती हूँ, चलो चलते हैं घूमने। मैंने बोला चलो भाई चल लेते हैं। तो फिर सामान पैक करा, डिग्गी में सामान ठूसा सारा और हम निकल गए गाड़ी उठा के, और अभी चल के दिखाएंगे लद्दाख मस्त है। गाइज ये देखो गाइज, इंडिया में जुगाड़ की कमी नहीं है। ये रेडी वाला उसमें टेम्पू वाले को पकड़ के चल रहा है मस्त। वाह सही है, फाइनली उतर गया भाई। हाँ देख के उतरा है, नहीं नहीं उसका, उसको इस साइड जाना है ना, तो उतर गया वो। तो गाइज इसे बोलते हैं दिमाग, जो कि आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा। एक इंजन पे दो गाड़ियां चला दी गाइज। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लद्दाख। और ये लद्दाख मैंने बोला था पता कहाँ पड़ता है, गुड़गांव में। हम लद्दाख वद्दाख कहीं नहीं जा रहे थे, हम जस्ट मजे ले रहे थे। हम एक्चुअली मम्मी और चीनू, मतलब मैं एक्चुअली मम्मी और चीनू को लेके गुड़गांव आया हूँ, क्योंकि आज मेरे मेन चैनल का शूट है गाइज। और हमने सोचा कि थोड़ा सा प्रैंक किया जाए लद्दाख जाने का, पर मेरे ख्याल से कई लोग तो समझ गए होंगे कि कहीं लद्दाख नहीं जा रहे, ऐसे ही बस कॉमेडी कर रहे हैं, और सच में हम लद्दाख नहीं जा रहे गाइज। वैसे सुपर कार लेने के बाद डेफिनेटली ट्रिप्स प्लान होया करेंगी बैक टू बैक, और हम लगातार घूमने जाया करेंगे, मजा आएगा बहुत। तो जल्दी से बस सुपर कार आने का बेटा, कोई दिन जा रहा है गाइज, कोई दिन, और पता नहीं कब सुपर कार आ जाए, आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज हम निकल चुके हैं भाई अपने शूट का फर्स्ट सीन लेने। हाँ भाई कैसा गया रक्षाबंधन? बढ़िया, एक नंबर का। कितनी राखी बंधी? मेरे को दो राखी बंधी। दो बहन है? चाचा की एक बहन की। और ऐसे कजन्स वगैरह में नहीं बंधवाई? कजन्स में चाचा की एक ही। अच्छा। तो बहन है मेरी। और भाई तुम्हारा कैसा गया रक्षाबंधन? बढ़िया एकदम। कितनी राखी बंधी? एक ही बहन है? वो भी कजन है। अच्छा रियल है। और तेरे भाई, तेरे कितनी राखी बंधी? तीन बंधी भाई। गिफ्ट में क्या दिया सबको? दे दिया 500-500 रुपए, ज्यादा नहीं। ओह और तूने क्या दिया? मैंने तो छोटी थी इसलिए उसके हिसाब से गिफ्ट दिया था। रील बनाइए, रील देखना गाइस मेरी आईडी पे। अच्छा ओहो, मत देखना भाई मत देखना। और तूने क्या दिया भाई? मैंने शॉपिंग करवाई। अच्छा। और एक चांदी का सिक्का दिया। सब झूठ। और कह रहा सब झूठ। और भाई 3,000 व्लॉग बनाया, व्लॉग देख ले भाई। ठीक है कुछ मत देखना गाइस, बस कुछ आना था।
चलो गाइज अभी हम चल रहे हैं शूट करने के लिए, अपना फर्स्ट सीन हम लेके आ रहे हैं बाहर। तो गाइज फ्यूजन कार पे आ गया हूँ, इस गाड़ी को आज एक्सप्लोर करवाऊंगा मैं, ये वन इन इंडिया बता रहे हैं भाई। वन इन इंडिया प्राउडली। और अभी भी आप शोरूम जाओगे अगर ये लेने तो आपको 2024 एंड या 2025 की शुरुआत में मिलेगी। बाहर गाइज कुछ फैंस आए अपने मम्मी पापा के साथ, चलो उनसे मिल लेते हैं, उसको इसको दिखाएंगे बाद में, ये पूरे इंडिया में एक गाड़ी है। हेलो गाइज, व्लॉग में आना था? नहीं। अच्छा मुझसे भाई थैंक यू, फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चे देखे जो कह रहे भैया व्लॉग में नहीं आना था, आपसे मिलने आना था। येलो कार में देखा तो फिर हमने यहाँ पे आके नंबर लिया था। ओह थैंक यू। मीट कर रहे हैं। अच्छा आप मम्मी पापा हो? हेलो हेलो। तो गाइज ये है मर्सिडीज की E53 AMG कैबरलेट कन्वर्टेबल, वन इन इंडिया, पूरे इंडिया में एकमात्र AMG कन्वर्टेबल गाड़ी मर्सिडीज की E53। टेम्परेरी नंबर है भाई? कहाँ से नहीं निकलवाई है शोरूम से? 1100 किलोमीटर चली, शोरूम से नहीं आई। कितने की दे रहे हो? 1,50,00,000। खोलना भाई इसको। तो भाई 1,50,00,000 के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक है। चलो इसके अंदर बैठते हैं, आओ। ये देखो भाई चाबी नॉर्मल है इसकी, ये देखो। आप बताओगे भैया? हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। पहले तो ये बताओ भैया कि ये पूरे इंडिया में एक है कैसे? ये ओनली सिंगल अपना कार है अभी इंडिया में। मतलब ऐसा कैसे? बेसिकली ये परफॉर्मेंस कार है तो बैठ जाओ, AMG वेरिएंट है इसमें, परफॉर्मेंस लवर इसको मतलब। तो ये और आती नहीं है या मिलती नहीं है? नहीं अभी कंपनी ने इसका डिस्कंटिन्यू अभी कर दिया फिलहाल, ये एक ही पीस बनाया बस। हाँ, तीन गाड़ियां बिकी थी टोटल। अच्छा अभी एक हमारे पास है जिसमें से, और दो दो अभी जो बायर्स यूज कर रहे हैं। अच्छा मैं मार्केट में सिर्फ एक अवेलेबल है ये खरीदने के लिए, खरीदने के लिए, और नई अभी आ नहीं रही? नहीं अभी नहीं आ रही, सिर्फ तीन ही पीस बनाए थे कंपनी ने। तो इसमें क्या मतलब अलग हमें देखने को मिलेगा लाइक परफॉर्मेंस वाइज? इसमें स्पेसिफिकेशन जो इसके इंजन की है वो, एक तो ये 3 लीटर आती है, 3 लीटर फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी जो BHP है दैट इज अपना अराउंड 325 BHP है, और टॉर्क वैल्यू है इसकी 520 Nm, मतलब भागने में दमदार। परफॉर्मेंस वाइज इसका कोई मैच नहीं। जो कलर है ना गाइस आप स्पेशली देख लो, जो आज तक हम लोग वो कराते हैं रैपिंग, ये ओरिजिनल कलर ही वैसा दिया गया है, और ये लोडिंग्स में है, इस चीज के एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं पेस्टल कलर मैटिंग कलर देने के लिए। ये आप दिखाना इनको वीडियो में, और सारी गाड़ियों की ग्लॉसीनेस दिखाना, इसकी डलनेस दिखाना, ये इसकी खूबी है। वैसे जब मैं सबसे पहले शोरूम में घुसा तो मैंने ये गाड़ी देखी ना, मैंने यही पूछा मगर भाई इस पे क्या आपने रैपिंग करा रखी है? तो फिर इन्हें बताया कि नहीं ये आती ऐसे मैट फिनिश में है, तो इसका मस्त ब्लू कलर है, मैट बिल्कुल। बाकी जैसे इनने बताया गौरव भाई ने, बाकी ग्लोसी है ये मैट में है। और इसमें आपका फीचर्स में जैसे ये आपके मोड्स आ गए इसमें, ये मोड्स हैं ये? हाँ, ये एक्स्ट्रा लोडिंग्स हैं ये इसमें। ओके, इसमें आपके मोड्स आ जाएंगे, स्पोर्ट्स मोड ऐसे घुमाने से। हाँ जी हाँ जी। और इस साइड आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का होगा। ओके ओके। बाकी ये आपके सारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, मतलब इंटीरियर बड़ा प्यारा है इसका, अल्टीमेट है, एक्सक्लूसिव है। इससे पहले मर्सिडीज की वो आती थी 4 सीटर में कन्वर्टेबल, वो सी क्लास में ना, C300, बट AMG में निकाल दी भाई इन्होंने तो। और मतलब इसमें आपका जो एग्जॉस्ट है वो कंपनी स्टॉक है, बट उसका साउंड जो है आप उसका कंपैरिजन जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं उनसे कर सकते हैं, मतलब साउंड कंपनी फिटेड में मस्त साउंड दे रहे हैं। मतलब मैं आपको एग्जॉस्ट भी सुनाता हूं इसका, ये है ना इसमें चाबी, इसको स्टार्ट करते हैं। पंजा दे दूं, स्पोर्ट्स मोड हो गया। ओ बम फटता है, बम फटता है भाई इसमें तो। पंजा मारना पीछे, पंजा मारना ये गाइस देखो, इसे फटेगा भी बम। क्या हो रहा है देखो, इसमें कौन सा क्लाइमेट चेंज करके पूरा मोड चेंज करके, हाँ स्पोर्ट्स मोड पे करके, सी दिस, ये देखो। हाँ ये टच स्क्रीन है क्या? हाँ, पहली बार लॉन्च हुआ है ये, अभी तक तो आपने रेगुलेटर्स देखे थे। हाँ, ये देखो ऑसम फीचर्स यार, कन्वर्टेबल गाड़ी में AMG आती ही AMG विद कन्वर्टेबल पहली बार लॉन्च किया गया। कैमरा खुला बैक है, ओके, और ये भी खुलेगी, ये कैमरा बंद हो गया, सही है भाई, बढ़िया है ये कैमरा, बढ़िया भाई।
चार चार इसमें एग्जॉस्ट है। ऑफ करेंगे वो देखो, बैक के हटाना वो टच स्क्रीन देखो, या इसे जूम करके वो गायब हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा। हाँ ये बंद हो जाएगा। बैक करना, बैक कैमरा जब एक्सेस करना होता है तो ये खुल जाता है लोगो। हाँ बैक कैमरा एक्सेस करते ही ये लोगो खुल जाएगा एंड देन, और जब हमें बैक कैमरे की नीड नहीं है लोगो सीधा हो जाएगा। हाँ बस बाकी ये पता नहीं कब होगा, हो जाएगा। हाँ चार चार एग्जॉस्ट है भाई इसमें। हाँ बड़ा सही मूव आता है ये बड़ा सही मूव आता है। इसमें कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। अच्छा ये देखो। हाँ ये अभी लोगो हुआ। हाँ कैमरा ऑन हो गया। हाँ हाँ लोगो ऑन है, हो गया लोगो बंद। मस्त है भाई ऐसे ही। बहुत देखो गाइस इसकी फिनिश देखो, पूरी मैट फिनिश है इनकी। आप देख रहे होगी फुल ग्लोसी है, लेकिन ये है पूरी मैट में। तो ये है अभी या निकल गई जिस दिन, ये तो मैं प्राउडली कहता हूँ, जिस दिन हमने कमिंग सून डाला वन इन टाउन, ये स्पेशली लिख के कमिंग सून डाला, रात 11 बजे तक हमारे यहाँ पे कुछ थोड़े ऊंचे विधायक साहब या कुछ और बड़े बंदों का फोन आ गया कि कोई भाई आ रहे हैं, शोरूम रात 11 बजे तक खोल के रखियो, 11 बजे बुकिंग अमाउंट आ। वाह भाई। और उनको किसी ने बताया, मर्सिडीज वालों ने, वो नई गाड़ी लेने गए थे, उन्होंने कहा हमारे पास तो 2025 तक नहीं है। फ्यूजन कार्स नाम का एक ब्रांड है तिलक नगर में, जिसके पास 1100 चला एक पीस खड़ा है, आप वहीं से ले लो। तो वो डायरेक्ट कंपनी से आए हमारे पास और गाड़ी परचेज कर। बहुत बढ़िया भाई। तो गाइस वापस से घर आ गया हूँ और आज का जो शूट था वो हमने निपटा लिया है। अभी कल और भी शूट है, आज कम पोर्शन था, कल ज्यादा पोर्शन है। तो चलो भाई इसी के साथ अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेगमेंट RRR। तो पहला सवाल है हर्ष गुप्ता का, रजित भैया आपको कार चलाना किसने सिखाया था, प्लीज रिप्लाई आई एम योर बिग फैन। तो गाइज आप यकीन नहीं करोगे, आप बोलोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ जब मैं बताऊंगा कि मैंने कार चलाना कैसे सीखा। एंड्रॉयड फोन था मेरे पास उस टाइम, तो एक गेम आती थी डॉक्टर ड्राइविंग, आपने खेली भी होगी। उसमें ऐसे कार चलानी होती थी, टास्क मिलते थे पार्किंग के और स्पीडिंग के, ये सब कई सारे टास्क होते थे। तो वो गेम बड़ा खेलता था मैं उस टाइम, मुझे कार चलानी नहीं आती थी। लेकिन डॉक्टर ड्राइविंग में ना अलग अलग मोड्स होते थे गाड़ी चलाने के, तो जैसे एक वैसा मोड भी था जिस तरीके से हमें गाड़ी का स्टेयरिंग के साथ बाहर का व्यू दिखता है, तो वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ गाड़ी का। फिर मेरे पास सबसे पहली गाड़ी थी जो हमारे घर वालों ने दिलाई थी, वो थी वैगनार। फिर वैगनार से स्टार्ट किया था, उस गेम से आइडिया लेके रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और ऐसे चलानी सीखी स्टार्टिंग में गेम के थ्रू। फिर धीरे धीरे चलाते हैं, रोड पे तो आई जाती है भाई चलानी, ऐसे चलानी आई थी। बाकी ऐसे किसी से सीखी नहीं कि कोई बंदा साथ में आया उसने सिखाई, या कोई ड्राइविंग स्कूल में गया उसमें सीखी, ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। दूसरा क्वेश्चन है सबीना खान का, भैया आपको स्ट्रीट फूड में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो भाई स्ट्रीट फूड में मुझे सबसे अच्छा लगता है स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स है भाई मेरे फेवरेट स्ट्रीट फूड में। तीसरा क्वेश्चन है टोटल फ्री फायर गेमर का, रचित भैया आपका बर्थडे कब आता है। यार ये क्वेश्चन वैसे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि सबको पता है, लेकिन पिक इसलिए कर लिया क्योंकि अभी आने ही वाला है मेरा बर्थडे, तो आप लोग थोड़े से अवेयर हो जाओगे। तो गाइज बस बर्थडे आने वाला है मेरा 13 सितंबर। आज कितनी तारीख होगी, 1-2 तारीख होगी आज। हाँ तो बस 13 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो बस आने वाला है भाई। बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, जो बड़े लोग देख रहे हैं मुझे आशीर्वाद देना, ठीक है। प्रार्थना करना मेरे लिए भगवान से, और ऐसे ही भाई आप लोग भी खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे चैनल को देखते रहो और खुशी बांटते रहो अपने परिवार में, हंसो खेलो फूलो फलो मजे लो। तो चलो भाई अभी इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे ब्लॉग चैनल को, और 1 मिलियन के हम करीब जाते जा रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 1 मिलियन करवा दो फटाफट से। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये मेरा यूजर नेम है। बाकी चीतो कल मिलते 11 बजे नए ब्लॉग के साथ। चलो भाई चीतो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम।